वेलकम बैक टू रॉबो यूनिवर्स गाइस। ये जो ट्रिक है ये सारे के सारे रियलमी फोन्स में काम करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिवाइस नेम और एंड्रॉयड वर्जन और ओएस चेक करना है। ये फिलहाल कलर ओएस चल रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन सेक्शन में जाके आपको चेक करना है कौन सा एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है। तो ये आप देख सकते हो एंड्रॉयड 9 पाई का पाई चल रहा है और ये Realme OS नहीं बल्कि कलर OS है जो कि बेकार वाला है Oppo का। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन का नाम टाइप करना है, आप देख सकते हो ये मैं टाइप कर रहा हूँ Realme 5i और साइड में लिखना है फ़ोन का नाम और साइड में लिखना है Realme UI। तो सबसे पहले जो गूगल सर्च में रिजल्ट आता है उसको आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ये ऐसा कुछ खुल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ सारे के सारे Realme फ़ोन्स के बारे में है। Realme C11 गया अभी, उसके बाद अभी Realme X3 सुपर जूम, नार्जो 10A, Realme X50 Pro और ये कौन सा है, ये Realme 6 Pro, उसके बाद ये Realme 6 है और Realme C3, Realme ये 5i है और Realme X2 और उसके बाद Realme X2 Pro, Realme 5 Pro, Realme XT भी है और Realme 5S, Realme 5, Realme X और उसके बाद Realme 3i को भी सपोर्ट करता है, Realme 3 Pro को भी सपोर्ट करता है, Realme C2 में भी ये सपोर्ट करता है और Realme U1 में भी सपोर्ट करता है, Realme C1 में भी और Realme 2 Pro में तो सपोर्ट करता ही है, Realme 2 में भी सपोर्ट करता है और Realme 1 तक ये है। तो आपके जितने भी Realme डिवाइसेस है आप वो लिस्टेड देख सकते हो। तो फिलहाल हमारा जो ये Realme 5i है तो इस ये पैकेज में डाउनलोड कर देता हूँ और तो इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो ये पैकेज ऑलमोस्ट 2.85 GB है, तो इसको चलो डाउनलोड कर देते हैं। तो ये बहुत समय लगने वाला है तो वेट करना पड़ेगा। मेक श्योर आप वाईफाई से कनेक्टेड हो क्योंकि अगर आप डेटा से कनेक्टेड करके आप अगर आप करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। सो फिलहाल गाइस ये Realme जो UI है वो फार बेटर है और कलर OS से, कलर OS जो था वो Oppo का था और Realme UI जो है वो Realme का कस्टम स्किन है। ये कम्प्लीटली स्टॉक एंड्रॉयड जैसा फील देता है और बेटर देता है। तो डाउनलोड आप देख सकते हो कि बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपके साथ में बात कर रहा हूँ। तो टाइम तो लग रहा ही है क्योंकि ये 2.85 GB का पैकेज है, तो ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 GB तक के पैकेज रहेगा। आप चाहे जो भी Realme फ़ोन के लिए आप Realme UI लेटेस्ट डाउनलोड करो तो इतना समय नहीं लगता है, आपको इतना टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल आप पेशेंस रखो क्योंकि आप डाउनलोड ऑन करके आप छोड़ दो। तो जैसे ही डाउनलोड हो गया आप सेटिंग्स में जाके सॉफ्टवेयर सेक्शन में इसको आप भी आप अपडेट नाउ कर सकते हो, नहीं तो फाइल मैनेजर में जाके उसको ओपन करके ऐसे जब इंटरफेस आएगा तो आप अपडेट नाउ कर सकते हो। तो ये अपडेट हो रहा है, फिलहाल टाइम तो लगेगा ही, बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि ये कम्प्लीटली एंड्रॉयड 9 से एंड्रॉयड 10 होने वाला है और कम्प्लीटली कलर OS से Realme UI होने वाला है। तो टाइम लगेगा, ये वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो मेक श्योर आप पेशेंस रखो, कुछ स्विच ऑफ स्विच ऑन वगैरह आप मत करो। तो देखिए ये जैसे कि लोगो अपेयर हुआ, अभी स्विच ऑफ होगा, अभी वापस रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद ऐसा जब इंटरफेस आता है तो आप मेक श्योर कि आप फ़ोन को कुछ और सेटिंग्स ना करो या फिर फ़ोन को हाथ ना लगाओ। तो देख सकते हो कि ये वेरीफाई हो रहा है और इसका लाइक कुछ अपडेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली अपडेट ही हो रहा है। तो मेक श्योर आप थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि Realme UI जो है वो फार बेटर है कलर OS से और ये सारे Realme फ़ोन्स में चलता है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर सेक्शन में आपको ये ऑप्शन अगर नहीं मिलता है तो मेक श्योर आप जाओ अपना डिवाइस नेम और Realme UI को मिला के गूगल में सर्च करो और फर्स्ट इंटरफेस जो आता है, फर्स्ट रिजल्ट जो आता है वो क्लिक करो। तो आप देख सकते हो कि ये रीस्टार्ट हो रहा है, टाइम लगता है, इतना ज़्यादा नहीं, इतना जल्दी नहीं, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो। तो आप देख सकते हो कि कम्प्लीटली देखिए यूज़र इंटरफेस पूरा चेंज हो चुका है। ये Realme OS है, Realme UI है, तो देखिए ये कम्प्लीटली पूरा चेंज हो चुका है और फिनिशिंग सिस्टम अपडेट, तो ठीक है उसको होने दो। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाके सेटिंग्स में जाके चेक करना है कि फ़िलहाल क्या चल रहा है और क्या अपडेट हुआ है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। और Realme UI आप देख सकते हो कितना क्लीन है और तो चलिए देखते हैं सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद जाते हैं अपना अबाउट फ़ोन सेक्शन में। हाँ ये Realme UI है, पूरा चेंज हो चुका है। फ़ोन सेक्शन में जाके आप देख सकते हो कि ये Realme 5i है इसका नाम और सेम और Realme वर्जन देख सकते हो, वर्जन 1.0, रैम 4 GB और एंड्रॉयड वर्जन देखिए एंड्रॉयड वर्जन जो है वो अपडेट हो चुका है।
तो एक बार जाके देखते हैं। तो देखिए एंड्रॉयड वर्जन अपडेट हो चुका है और ये लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 आ चुका है, एंड्रॉयड 10 विथ रियलमी UI। तो बहुत ही फाइनली ये काम जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये देख सकते हो रियलमी UI कितना मस्त काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। अपने कोई भी आप अपने डिवाइस में आप ये कर सकते हो आराम से, बड़े आराम से, और बहुत ही देखो स्लीक कन्वीनियंट है और काफ़ी अच्छा है ये। और मज़ेदार की बात है। तो देखिए ये डार्क मोड में भी काम कर रहे हैं। तो फिलहाल दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेक श्योर आप इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना, मैं आपको सारे आंसर्स दूंगा वहाँ पे DM में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।